दोस्तों मैं तुहाडा स्वागत करदा हाँ झांजर दे इस इंटरव्यू सैक्शन दे विच। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि असीं इस खास सैक्शन दे विच मुलाकात कराउंदे हाँ हर उस शख्सियत दे नाल जिसने किसी भी अपने फील्ड दे विच काम कीता होवे। अज असीं तुहानूं इस दे विच मिलाउण जा रहे हाँ थिएटर ते फिल्मां दे मशहूर आर्टिस्ट मैडम रिशी दे नाल। मैडम तुहाडा स्वागत है झांजर दे इस टीवी प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, झांजर दे श्रोतियां नूं भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जी अज असी कुछ गलबात करांगे स्रोतियां दी जानकारी लई। वैसे तो अज तक बहुत सारियां ऐसियां गल्लां हो चुकियां होणगियां जिन्हां स्रोते जानदे होणगे, पर फिर भी असी झांजर दे स्रोतियां लई तुहाडी एक खास गलबात लै के पेश होवांगे जिहदे विच असी झात मारांगे तुहाडे इस फिल्मी ते थिएटर दे सफर बारे ते कुछ परसनल लाइफ बारे। पहलां असी जानना चाहांगे कि तुसीं कित्थे बिलोंग करदे हो ते किस तरह तुहाडी थिएटर दी शुरुआत होई। मैं जी मानसा डिस्ट्रिक्ट नूं बिलोंग करदी हाँ, पहला बठिंडा सी हुण मानसा हो गया। तो थिएटर नाल शुरू तो ही बचपन तो ही मैनूं प्यार सीगा। स्कूल टाइम च कॉलेज टाइम च मैं ड्रामा करदी सीगी, फिर उस तो बाद मैं पटियाले पढ़न वास्ते आ गई फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करन वास्ते। उत्थे मैनूं हरपाल टिवाणा ते उन्हां दा सारा ग्रुप मिलिया, उत्थे फिर शुरुआत हो गई मेरी ड्रामे दी। मैडम तुसी की समझते हो कि जो तुम मिस्टर हरपाल टिवाणा जी के ग्रुप में ज्वाइन किया उस तो पहला तुसी किन्ना क थिएटर बारे जानते सी ते बाद दे विच तुसी किन्ना क सिखिया हो। थिएटर बारे इस तरह नहीं जानती सी, टैक्निकली कुछ नहीं सी पता। वैसे नाटक करन दा शौक बहुत सीगा, ते पर जो हरपाल टिवाणा होरां दे कॉन्टैक्ट च आए उदों बहुत सारियां गल्लां दा पता लग गया, स्पीच बारे भी, डायरेक्शन बारे भी, मूवमेंट बारे भी, जेस्चर पोस्चर सारा कुछ, मतलब लाइट साउंड म्यूजिक ये सारा कुछ उन्होंने पता लग गया। मेरा ख्याल हरपाल टिवाणा जी का ना एक अजिहा ना है पंजाबी थिएटर दे विच, पंजाबी फिल्म जगत दे विच कोई भी ऐसा पंजाबी नहीं होएगा कि जेड़ा उन्हों का ना ना जानता होवे, ते उन्हों की देन थिएटर नूं कदे भी भुलाई नहीं जा सकती। तुसी की समझते हो हरपाल टिवाणा जी ने जदों थिएटर किया ते लोकां दा उहदे बारे किहो जिहा विचार सी। लोगों का बड़ा विचार से जी, असी लुधियाने थिएटर किया प्रोफेसनल लैवल पर, तो लोगों ने बहुत सराहिया, तो लोगों ने एक आदत पै गई सी नाटक देखने की लुधियाने, तो सानू पुछते होंगे सी भी हुण किहड़ा नाटक लगेगा जी, जिवें फिल्मां लगदियां किहड़ा नाटक लगेगा, इस तरह पुछते होंगे सी। तो लोगों ने बड़ा भरवा हुंगारा दिता उन्होंने थिएटर नूं, तो उही मतलब असी अज सीखिया उन्होंने तो। जिमें कि मेरे ख्याल पंजाब के थिएटर बारे सारे जानते हैं कि एक टाइम से जदों हरपाल टिवाणा जी के प्ले देखने लिए लोग लाइन च खड़ के टिकटा लैके प्ले देखते सी, जिमें कि थिएटर के फिल्मों दी टिकटा लेंदे हन। फिर एक अहिजा युग आया कि थिएटर बारे थोड़ा जिहा अणगौलिया हो गया, थिएटर नूं थोड़ा जिहा अणगौलिया कर दिता गया, उहदा की कारण सी। कुछ तां जी अपने पंजाब के हालात इहो जिहे हो गए सीगे, तो सानू नैचुरली हालात यह जी होने करके सानू थिएटर करते सी असी, पर ओपनली नहीं करते सीगे जिवें छोटे छोटे शहर च करते रहे हैं। ऊँ सारे लुधियाने डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, जलंधर च, बठिंडे च, मतलब कोई यह जी थां नहीं छड़ी। फिर साडा रुझान यह हो गया भी इत्थे इन्ने हालात खराब है, उदों टैररिज्म बहुत सीगा, तो असी बाहरले मुल्कां च करते रहे, उत्थे भी सानू बहुत ही भरमा हुंगारा मिलिया। फिर जदों शांत वातावरण हो गया फिर असी उमें जिकरी नाटक शुरू कर ले सीगे। ते तुसी की समझदे हो कि थिएटर दे विच पंजाब दे पंजाबी थिएटर दे विच अज दे युग दे विच हुण इस टाइम की थां है। इस टाइम पहला तो नहीं सीगा, हुण मैं जदों मैं देखिया भी हर एक थां ते नाटक मंडलियां बनिया हुई हैं और जिन्ने भी नौजवान पीढ़ी है बहुत वध चढ़ के हिस्सा लेंदी है नाटकां च और करदे है नाटक, चाहे वो चार शो करन, दो शो करन, दस शो करन। ते हुण जदों भी मैं जानी हाँ मैनू जवान मुंडे कुड़ियां मिलदे आ ते फिर कहणगे मैडम असी आह नाटक फलाने पिंड खेडिया उत्थे खेडिया। हुण नाटक का प्रचार हो रहा है और नाटक होंद विच आ गया।